हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्टे होम स्टे सेफ। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या नए अपडेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द अकाउंट नंबर ऑफ पीएम केयर्स फंड फॉर द डोनेशन ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के लिए किसी भी तरीके का डोनेशन देने के लिए जो एक फ़ंड बनाया गया, जैसा कि आप सब जानते होंगे, पीएम केयर्स, तो पीएम केयर्स का अकाउंट नंबर यहाँ पर पूछा गया है। पहले आंसर देख लेते हैं इसका। द राइट आंसर इज 2121 PM 20202. That is the account number of PM CARES Fund. There are so many of donators in India और बहुत बड़े बड़े इस तरीके के organizations हैं जिन्होंने इस fund के अंदर donate करने का काम किया है। एक रुपये से लेकर जितना भी बड़ा donation आप करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। COVID-19 से लड़ाई लड़ने के लिए जो एक मुख्य हथियार है हमारा, जो एक weapon है, वो ये पीएम केयर्स फंड है। यहाँ पर बहुत सारा डोनेशन इकट्ठा हो रहा है जो कि लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो जो अकाउंट नंबर है, दैट इज़ 2121 PM 20202। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WWF इंडिया। WWF, व्हाट इज़ WWF? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यहाँ पर WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्थित है GLAND, ग्लैंड में, ठीक है। ग्लैंड इज़ द सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के एक शहर का नाम है ग्लैंड, तो यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर स्थित है। भारत में भी इसका एक ब्रांच इसकी भारत में भी चलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको अभी रिसेंटली WWF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। द आंसर इज़ विश्वनाथन आनंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शतरंज के खिलाड़ी, चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद को जो है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया WWF के द्वारा। ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फॉर इंडिया मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय विच कंपनी? किस कंपनी के द्वारा आई फॉर इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया? आई फॉर इंडिया मूवमेंट क्या है? ये भी एक डोनेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी लोगों के द्वारा कोविड-19 से लड़ाई के लिए बहुत अलग अलग तरीके से डोनेशन किया जा रहा है। तो किस कंपनी ने ये कंसेप्ट शुरू किया आई फॉर इंडिया? दैट इज़ बिन स्टार्टेड बाय फ़ोनपे। याद रखिएगा, फ़ोनपे का जो मूवमेंट है कलेक्शन के लिए, उसका जो नाम है, दैट इज़ आई फॉर इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय फ़ोनपे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट सर्विस इज स्टार्टेड बाय? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर पहले, फिर कॉन्टैक्ट के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ बिन स्टार्टेड बाय एम्स इंडिया। कॉन्टैक्ट क्या है दोस्तों? कॉन्टैक्ट की पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, कोविड-19 टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, ठीक है, कोविड-19 टेलीकम्युनिकेशन सेंटर। इस सेंटर पर क्या किया जा रहा है? देश के अलग अलग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो संस्थान हैं, उन सबको एक जगह पर जोड़ा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की सलाह ली जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो सकें, जिसके द्वारा हम कोविड-19 से लड़ाई लड़ सकें और उसके जो इस वायरस के लिए जो भी ट्रीटमेंट किया जाए या जो भी इलाज के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उन पर लगातार हम बड़ी से बड़ी अपडेट्स ले सकें। तो उसके लिए जो बात की गई है, दैट इज़ एम्स इंडिया ने अपना ये सर्विस स्टार्ट किया, कॉन्टैक्ट सर्विस, CONTEC, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? कोविड-19 से लड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था या लॉन्च किया गया? जैसा कि आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते इज स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी ताकि कोविड-19 से जो फाइट की जा सके। ऑपरेशन नमस्ते के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा प्रमोट किया गया, जो पुअर्स हैं उनकी हेल्प को ज़्यादा प्रमोट किया गया, लोगों को ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा प्रमोट किया गया या फिर जो ट्रेसिंग के लिए ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था भारतीय सेना के द्वारा जिसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर आंसर है 27 मार्च, ठीक है दोस्तों, याद रखना। वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस जो है, इसे 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि थिएटर, आप सभी जानते होंगे कि थिएटर जो है भारत में काफ़ी फेमस है। 1962-63 के टाइम बात की गई थी वर्ल्ड थिएटर डे वगैरह से रिलेटेड, तो ध्यान रखना 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे इज़ ऑब्जर्व। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन पुट अंडर द रेड जोन ड्यू टू कोविड-19? कोविड-19 के कारण भारत के कितने
जिले हैं जिन्हें रेड जोन के अंदर रखा गया है? आंसर देख लेते हैं पहले हम यहाँ पर, आंसर इज 170। 170 यानी कि 170 जिले जो हैं भारत के वो रेड जोन के अंदर रखे गए। रेड जोन का मतलब हो गया जहाँ पर कोविड 19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उन्हें कहा गया, ठीक है, उन्हें रेड जोन केस हमने यहाँ पर बोला है, 170 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विश्व धरोहर दिवस किस संस्थान के द्वारा मनाया जाता है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया कब जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज यानी कि 18th of April वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस है। विश्व धरोहर दिवस जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है इकोमोस के द्वारा, ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इनके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में कुल 36 इस तरीके की विश्व विरासतें हैं, ठीक है, जो कि अंडर लिस्टेड आती है यूनेस्को के। अब यहाँ पर यूनेस्को के अंडर लिस्टेड आने का मतलब क्या हुआ कि इकोमोस एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, उनमें कुछ नाम सजेस्ट करता है विश्व धरोहरों के, और उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाता है यूनेस्को को, और यूनेस्को फिर उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का काम करता है। तो ऐसी कुल 36 विरासतें हैं जिन्हें हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया जा चुका है अभी तक भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 36। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सी इन FCA? व्हाट इज सी इन FCA? आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, सी इज करेंसी, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ, वे प्रतिभूतियाँ जो कि भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में विदेशी मुद्रा के रूप में बनी हुई होती हैं। अब विदेशी मुद्रा के रूप में जस्ट इन केस अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन और युआन, युआन जो कि चाइना की करेंसी, रेनमिनबी हम जिसको कहते हैं, तो ये पांच करेंसीज जो हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर रखी जाती हैं। तो सी इज करेंसी इन FCA। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP सिचुएटेड? UNEP यहाँ पर है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अभी रिसेंटली काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कई सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण का काम किया जा रहा है, कोविड 19 से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑपरेशन जो है वो UNEP चला रहा है। तो UNEP का जो मुख्यालय है दैट इज़ सिचुएटेड इन नैरोबी। नैरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ केन्या, ध्यान रखना दोस्तों, केन्या जो है वो देश, उसकी कैपिटल है नैरोबी, और नैरोबी में मुख्यालय है UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आज के हमने 10 क्वेश्चंस देखे हैं इस तरीके के, थोड़ा सा इन्हें एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, याद रखिएगा, या फिर आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। वन मोर थिंग फॉर यू, हेलीकॉप्टर मनी, देयर इज़ अ टर्म हेलीकॉप्टर मनी, ये एज एन असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसका जो जवाब है मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर फेसबुक पर भी दे सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेलीकॉप्टर मनी, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड 19 के कारण काफ़ी ट्रेंडिंग में था ये टर्म हेलीकॉप्टर मनी। तो इस हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जो भी आपका आंसर हो आप वो आंसर मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा हम यहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हेलीकॉप्टर मनी को डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है, और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा सकता है, जो भी है वॉट एवर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, सी यू सून।